मैं आज यहां बंगाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहने आया हूं, भारतीय जनता पार्टी का अगला सबसे बड़ा अगर कोई लक्ष्य है तो 2026 में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैं आज बंगाल के कार्यकर्ताओं को कहकर जाता हूं, महाराष्ट्र और झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। 2024 के लोकसभा के चुनाव में राहुल बाबा संसद में बोलते हैं कि हमने हरा दिया, हरा दिया, हरा दिया। मुझे तो मालूम नहीं है राहुल बाबा को उनके साथी भी क्यों नहीं समझाते हैं। राहुल बाबा, जो हारता है वो विपक्ष में बैठता है। राहुल बाबा, 14, 19 और 24 तीनों चुनाव का आपका टोटल भी 240 नहीं होता है, आपका टोटल भी 200। भाइयों बहनों, मैं अभी अभी ये राहुल बाबा एंड कंपनी, जिसमें ममता दीदी भी शामिल है, बहुत खुश हो रहे हैं। इनको मैं बताना चाहता हूं कि आप स्वप्न देख रहे थे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी स्वीप कर गई। आप स्वप्न देख रहे थे ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी स्वीप कर गई। आप अभी अभी स्वप्न देख रहे थे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का काम हरियाणा में करा। और मैं आज बंगाल के कार्यकर्ताओं को कहकर जाता हूं, महाराष्ट्र और झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। भाइयों बहनों, 2024 के लोकसभा के चुनाव में राहुल बाबा संसद में बोलते हैं कि हमने हरा दिया, हरा दिया, हरा दिया। मुझे तो मालूम नहीं है राहुल बाबा को उनके साथी भी क्यों नहीं समझाते हैं। राहुल बाबा, जो हारता है वो विपक्ष में बैठता है और वो जो जीतता है वो प्रधानमंत्री की शपथ लेता है, इतनी सामान्य बात भी आपको मालूम है। मैं आपको बताने आया हूं, इंडी अलायंस वाले सारे नेताओं को, इस देश में 60 साल के बाद, इस देश में 60 साल के बाद कोई एक नेता के नेतृत्व में कोई भी पार्टी तीसरी बार लगातार सरकार बनाई है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी। हम 240 आए हैं, मखौल उड़ाते हो, अहंकार में आ गए हो। राहुल बाबा, 14, 19 और 24 तीनों चुनाव का आपका टोटल भी 240 नहीं होता है, आपका टोटल भी 240। और आप जितने साथी हो वो सबका टोटल भी 240 से कम है, मगर उनका तो गणित ही अजीब है। वो कहते हैं कि हम चुनाव जीते हैं, हम चुनाव जीत गए, हम चुनाव जीत गए। अब उनको अपने स्वर्ग में रहने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं बताने आया हूं, 2024 के चुनाव में 7 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 50% से ज्यादा वोट मिला है। 4 राज्यों के अंदर क्लीन स्वीप हुई है और 4 राज्यों में 90% से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई है और राज्यसभा में भी हमारा बहुमत हो गया है। भाइयों बहनों, 60 साल के बाद लगातार तीसरी बार कोई एक व्यक्ति को, कोई एक नेता को देश की जनता ने प्रधानमंत्री बनाया तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी को बनाया है, नरेंद्र मोदी। और मैं आज यहां बंगाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी का अगला सबसे बड़ा अगर कोई लक्ष्य है तो 2026 में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार।